गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें अजय नाम का बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ और एक कॉन्स्टेबल भी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी अजय ने हाल ही में 11 साल के मासूम बच्चे का अपहरण किया था और उसकी हत्या भी कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में पहले ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अजय नाम का यह बदमाश फरार चल रहा था। मोदी नगर में एक मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? कल देर रात लगभग 1 बजे मोदी नगर पुलिस की हापुड़ रोड पर मछली के किनारे बदमाशों का भीड़ हुई है। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रोका तो पुलिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस ने उनका पीछा किया, वो फायरिंग करते रहे। पुलिस ने बचाव में जब फायरिंग की तो उसमें मोटरसाइकिल गिर गई। एक बदमाश जिसका नाम बाद में पता चला दिनेश और अजय ने उसके पैर में गोली लगी। उसने ही बताया कि जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसका नाम राठी है, मनीष राठी है। एक सिपाही को भी गोली लगी जिसका नाम इरफान। सिपाही तथा अपराधी बदमाश दोनों